के चलते दो युवकों द्वारा 29 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर जख्मी करने का मामला जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। इस मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैभव जाधव ने दी। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को 2 बजे के दरमियान जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गौतम नगर क्रिश्चियन कॉलोनी निवासी फिरियादी बलराज चौधरी ये अपने घर के सामने बैठा था, जिस दरमियान आरोपी अंकुश उर्फ पीयूष पंडलवार और लखन टोटलावार इन्होंने फिरियादी के साथ हुए विवाद को लेकर गाली गलौज की। वही आरोपी अंकुश ने अपने पास रखे चाकू से फिरियादी के पेट पर वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस मामले में फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैभव जाधव ने दी। कल रात्रि 8 वाजता दरमियान बलराज यमराज चौधरी राहणार गौतम नगर जरीपटका एचएवर अंकुश उर्फ पीयूष अनिल पडलवार राहणार खलाशी लाईन मोहन नगर गड्डी गोदाम याने चाकूने हमला केला। तो जखमी आहे। जखमीच्या भावासोबत आरोपीच्या बहिणीने प्रेमविवाह केलेला आहे। या कारणावरून आरोपी याने फिरेदी याच्या भावावर सदरचा हल्ला केलेला आहे। आरोपीसोबत परत एक त्याचा मित्र देवेंद्र श्यामराव टोटलवार राहणार गौतम नगर हा होता। दोघांना सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे। पुढील कार्यवाही सुरू आहे। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।